ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां पर पड़ा ओवर ब्रिज पर चाकू चले हैं। चार बदमाशों ने स्मैक के नशे में तीन युवकों पर चाकू से हमला किया। पेपर कटर चाकू से हमला किया है। बदमाशों में एक महिला भी शामिल है। बेरहमी से बदमाशों ने तीन युवकों पर चाकू चलाए। पड़ाव थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पर पब्लिक के हस्तक्षेप के बाद बदमाश मौके से भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें पकड़ा गया। पुलिस ने घायलों का अस्पताल में इलाज के लिए भेजा है। पड़ाव थाना क्षेत्र का मामला है। क्या पूरा मामला भाई साहब, क्या हुआ था? मामला ये है कि हम संजय विशावनी अपने मित्र के यहाँ से निमंत्रण खा के आ रहे थे, मैं और मेरे सरजू भाई साहब। तो हमने देखा कि कुछ लोग दो लोगों के ऊपर चक्कू से हमला कर रहे हैं। पेपर कटर थे उनके हाथ में, जिसके एक गर्दन में चोट लगी थी। जब हमने उसे बचाने का प्रयास किया तो वो लोग भी हमारे ऊपर भी उन्होंने अटैक करने का प्रयास किया, क्योंकि वो लोग सारे के सारे नशा किए हुए थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। और टोटल चार या पाँच लोग थे, जिसमें से तीन लोग घायल हैं। थाना पड़ाव में नया रेलवे ओवरब्रिज है, एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस तत्काल पहुंची। वहां पर एक व्यक्ति घायल था, जिसके गले में चाकू के चोट के निशान थे। दो व्यक्ति जो आसपास ही में नहीं उपस्थित थे, उनके द्वारा पेपर कटर वाला चाकू उपयोग करके गले में चोट पहुंचाई गई थी। घायलों को अस्पताल पहुँचा दिया गया है। परिजनों को थाने पहुँचा दिया गया है। और जो आरोपी थे, जो मौके पर जनता द्वारा पकड़े गए थे, उनको मेडिकल के बाद कायम।